Hello and a very warm welcome to Rajya Sabha Television. You're watching our special broadcast of the five state assembly elections battleground 2018. I'm your host, Frank Rausen Pereira. For the next 1 hour, we'll be joined by our reporters from four of the poll-bound states. The fifth one, of course, where voting has been completed already, is something that we're not going to focus on. But the other four states, of course, is going to be very exciting, very interesting, and we'll bring you up-to-date information from all these four states. And we'll also focus on our big story today, which is Telangana. With me is my colleague, Kavindra Sachan. Yeah, just like Frank ne kaha ki hum agle ek ghante mein aapko batayenge char rajyon mein jahan par matdan ho raha hai, wahan par kis tarike se chunavi rallyon mein kin muddon ko partiyan utha rahi hain, ek dusre par aarop pratyarop ke daur kis tarike ke hain, aur saath hi inhi char rajyon mein kya bade ahem mudde hain जो जनता की नज़र में बेहद अहम दिखते हैं, और क्या वो वहाँ की राजनीति पर असर डाल पाएंगी, और क्या वहाँ की सत्ता में जब पार्टियाँ ताकत लगा रही हैं उसका रोल कितना बड़ा होगा, समझेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। मध्य प्रदेश में अपने विवादित वीडियो पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दी सफाई, कहा पार्टी ने वचन पत्र में सभी वर्गों को शामिल करने का किया है प्रयास। बीजेपी का कमलनाथ पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप, चुनाव आयोग से कल की शिकायत। मध्य प्रदेश में वोट यात्रा की अगली कड़ी में खरगोन पहुंची राज्यसभा की टीम, संवाददाता नवविक्रम सिंह ने महेश्वर में मतदाताओं के चुनावी मुद्दों पर की बात। महेश्वर सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बागियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का काम पूरा, प्रचार के साथ साथ दिन भर बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटी रही कांग्रेस और बीजेपी। राजस्थान की 200 सीटों के लिए 7 दिसंबर को होगा मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओपी रावत की अगुवाई में तेलंगाना के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, अधिकारियों से महिलाओं और विशेष रूप से सक्षम मतदाताओं की सुविधाओं पर की चर्चा। प्रदेश में 119 सीटों के लिए नाम वापसी का काम पूरा। मिजोरम में 28 नवंबर को मतदान के लिए जोरों पर तैयारियां। विस्थापित टू वोटरों के लिए चुनाव आयोग ने कानमुन गांव में अस्थायी पोलिंग बूथ का किया इंतजाम, मतदान के लिए पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने का वादा। मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने विवादित वीडियो पर अब सफाई दी है। होशंगाबाद में कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष के लोग वीडियो और व्हाट्सएप की राजनीति पर उतर आए हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति लोगों को जोड़ने की है, और हमने अपने वचन पत्र में सभी वर्गों को शामिल करने का प्रयास किया है। आपको बताएं कि बुधवार को बीजेपी ने कमलनाथ के एक विवादित वीडियो के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो और व्हाट्सएप की राजनीति पर उतर आए हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि जनता इस सबसे प्रभावित होने वाली नहीं है। सच्चाई सबके सामने है, अपने वचन पत्र में सब मुद्दे हर वर्ग को जोड़ा है। हमारा ये प्रयास है, हमारी राजनीति जोड़ने की राजनीति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति है और इसी को हम उजागर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज रीवा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के में एक अपना घोषणा पत्र जारी होने का जिक्र करते हुए कहा कि रीवा की जनता पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है।
और इंदौर रुक करेंगे, जहां पर हमारे साथ नवविक्रम सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। नवविक्रम, जिन इलाकों में आज आप घूमे, और खास तौर पर अमूमन ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में मुकाबला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, किस तरीके से इनकी जमीनी ताकत दिखती है जिन इलाकों में आप गए? कविंद्र, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, तो अगर मैं बुरहानपुर या इस इलाके मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भी घूमा हूं, तो उस तरीके की मजबूत स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जो बीएसपी एसपी और जो दूसरे दल हैं, उनकी स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। हालांकि मुख्य मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, तो कांग्रेस, जहां कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है, वहीं बीजेपी चौथी बार लगातार सत्ता में आने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। जी कविंद्र। और नवविक्रम, इसके अलावा जो जमीनी मुद्दे हैं इस पूरी बेल्ट में, जहां पे आपने देखा, क्या बड़े तौर पर मुद्दे देखते हैं? कविंद्र, अगर मुद्दे की बात करें, जैसे मैं आज सुबह बुरहानपुर में था, बुरहानपुर से इंदौर की दूरी काफ़ी है, करीब 4 से 5 घंटे से ज़्यादा का सफ़र है। ऐसे में वहाँ कोई सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल लोगों की मांग है, क्योंकि उन्होंने लंबा सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे सड़क जैसी सुविधाएं हैं, या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं जैसी सहूलियत तो मिली है उन्हें, लेकिन अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, या फिर कई इलाकों में पानी की मुश्किल हो, पानी अभी तक उस तरीके से बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो ग्रामीण इलाके हैं, सुदूर इलाके में हैं, ऐसे में बुनियादी सुविधाओं की कमी कई इलाकों में एक बड़ा मुद्दा है चुनावी। लेकिन वही जो शहरी इलाके हैं, वहाँ जो मुद्दे हैं वो रोज़गार से जुड़े हुए हैं। जो रोज़गार की जो कमी है, कई जगह पर हमें देखने को मिला कि इंडस्ट्रीज़ की कमी है। ऐसे में जो वहाँ युवाओं का जो बड़ा मुद्दा है वो रोज़गार ही है। शुक्रिया नवविक्रम आपका वहाँ से हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। उधर मध्य प्रदेश की होशंगाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, और वो 2003 से लगातार ये सीट जीती आई है। होशंगाबाद की राजनीति नर्मदा के इर्द गिर्द घूमती रहती है, मामला चाहे नर्मदा सफाई का हो या फिर रेत के खनन का। जनता की राय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने इस मसले पर ध्यान नहीं दिया है। जीवनदायिनी नर्मदा नदी के पावन जल से संचित होशंगाबाद का ये इलाका मध्य प्रदेश के समृद्ध इलाकों में गिना जाता है। यहाँ के मुख्य चुनावी मुद्दों में अवैध रेत उत्खनन और नर्मदा की साफ सफाई हैं। लगातार हो रहे रेत के उत्खनन से नर्मदा का पानी सूखता जा रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि दोनों पार्टियों की नर्मदा परिक्रमा के बाद भी रेत उत्खनन और नर्मदा की सफाई को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस सीट पर बीजेपी का खासा प्रभाव रहा है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण काफी रोचक हो गया है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व मंत्री सरताज सिंह कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने स्थिति थोड़ी असहज हो गई है। सरताज सिंह अपने लंबे अनुभव की बदौलत होशंगाबाद का चौतरफा विकास करने का दावा कर रहे हैं। मैंने काम किया, हमेशा काम करता हूं, ये विश्वास जनता को है, तभी मैं 7 चुनाव लगातार जीता हूं। और जो जन समस्याएं हैं उनके प्रति अगर सरकार बनती है तो शासन के माध्यम से, और सरकार नहीं बनती तो जन आंदोलन के माध्यम से उस समस्या का हल करेंगे। उधर बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा का कहना है कि वो अवैध रेत उत्खनन के मुद्दे पर हमेशा खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर खनन को रोक लगे, इसके लिए हमने ग्राम पंचायतों को ठेका देने का फैसला किया है। हमारे सामने रोजगार की समस्या भी है नौजवानों की, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो एरिया का, एजुकेशनल सुविधाएं और बढ़े और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बढ़े। होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की बात करें तो यहां ब्राह्मण, कुर्मी और एससी वोटरों की संख्या ज्यादा है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता
जीवनदायिनी नर्मदा से होकर ही गुजरता रहा। महाभारत से लेकर अब तक नर्मदा के प्रताप से ही सरकारें बनती और बिगड़ती रही। जिसने नर्मदा की दिल से आराधना की वो रंग से राजा बन गया, और जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया वो आसमान से ज़मीन पर आ गया। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों नर्मदा के आस्था के ही सहारे सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। होशंगाबाद से कैमरामैन नारायण सिंह ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। Well, moving on from central India to the northeast now, where in Mizoram, the Election Commission had extended the last date for voting on postal ballots for service voters till today. The poll panel has also made arrangements for temporary polling stations at Kanmon village bordering with Tripura to facilitate displaced Bru voters to cast their votes. CEO Ashish Kundra had talks with inmates of Bru relief camps in Tripura. The inmates voiced their insecurity about casting their votes in Mizoram. Kundra, however, assured them of adequate security measures. Whatever time is left for the poll, I think till 24th, 25th, we should have all the logistical arrangements in place. A detailed security deployment plan has also been drawn up by the state police nodal officer. I will be discussing that with him later before sending it for approval of the election commission. Apart from that, I must say that I had also in Kanmon very detailed deliberations with the local community leaders, which include the YMA representatives and representatives of other community organizations. Well, elections for the next assembly in Mizoram are all set to take place on November 28th. Mizoram is the only northeastern state where BJP has no presence. The state has been ruled by the Congress since 2008. As many as 209 candidates are in the fray for the elections. और रुख राजस्थान का, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन था, और प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि नामांकन को लेकर, और 3,294 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें से 3,012 पुरुष और 281 महिला और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल हैं। कुल नामांकन में 766 उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 369 अनुसूचित जनजाति के लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। सबसे ज़्यादा 71 उम्मीदवार किशनपोल और 65 उम्मीदवार आदर्श नगर सीट से हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 7 दिसंबर को मतदान होगा। Meanwhile, a high-level team of the Election Commission headed by Chief Election Commissioner O.P. Rawat is on a two-day visit to Telangana beginning today. The team is visiting Hyderabad for the third time to assess arrangements for the elections. The team will hold discussions with the leaders of all parties. The assessment on preparations will also include arrangements being made for women and the disabled, printing of voter ID and Braille Epic ID cards for the visually impaired, among others. The team will also meet state senior officials, including the Chief Secretary, DGP, and nodal officers of the income tax during the two-day visit. Meanwhile, today was the last date for withdrawal of candidature for the state polls. 3,584 candidates have filed their nominations for the Telangana Assembly elections. देश की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की साख इस बार के विधानसभा चुनाव में दांव पर लगी हुई है, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। फिलहाल छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो चुका है और आरएसटीवी के रिपोर्टर्स इस वक्त बाकी 4 राज्यों के दौरे पर हैं, और ये जानने के लिए कि आखिर जमीनी मुद्दे क्या हैं और वोटर क्या सोचता है। चलिए ये चलते हैं आज की वोट यात्रा में। पहले चलेंगे मध्य प्रदेश की मंदिर नगरी महेश्वर, जो खरगोन जिले का हिस्सा है। नवविक्रम सिंह वोट यात्रा के जरिए वो समझा रहे हैं वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और स्थानीय बागी विधायकों के बीच का त्रिकोणीय मुकाबला, और कैसे आम वोटर इस पर चुप्पी साध रखी है। महेश्वर में वोट यात्रा पहुंचेगी इसी राज्य के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट विधानसभा क्षेत्र में। पातालकोट तकरीबन 59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली एक घाटी में बसा है, जो जमाने तक बाहरी दुनिया के लिए अनजान और अछूता था। तो शुरू करते हैं वोट यात्रा।
महेशमती, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में एक शहर है महेश्वर, जो अपने सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। इसी का पुराना नाम महेशमती था। आज आरएस टीवी वोट यात्रा में आपको दिखाएंगे यहाँ की जनता का मूड, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ की सांस्कृतिक विरासत एक झलक। धार्मिक महत्व की नगरी महेश्वर में पर्यटन के लिहाज से अपार संभावनाएं हैं। कभी भारत के प्रमुख नगरों में रहे महेश्वर का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यहाँ के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला के जरिए पर्यटकों के लिए अनूठे हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु नर्मदा नदी के घाट पर आकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो तबका अपनी जीविका के लिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों पर निर्भर है, उसकी अपने जनप्रतिनिधियों से कुछ उम्मीदें हैं। टूरिस्ट और यहाँ पर आने की जरूरत है, आपको लगता है कि यहाँ पे इसे और बढ़ावा मिला? हाँ, बढ़ना चाहिए। क्या लाइटिंग वाइटिंग लग जाती तो किला सुंदर दिखता है, लाइटिंग की वजह से मार खा रहा है किला। फिलहाल आजकल ये धार्मिक नगरी दिलचस्प चुनावी मुकाबलों के लिए सुर्खियों में है। महेश्वर विधानसभा कृषि बाहुल्य विधानसभा है और सरकार के द्वारा पिछले 15 सालों में बहुत सारी नहर और सिंचाई की सुविधाएं योजनाएं हैं। हम ये मेरा प्रयास रहेगा कि जो इलाका उस सिंचाई की योजना से छूटा हुआ है उस इलाके में सिंचाई की योजना जाए, जिससे किसान खेत खलियान ये समृद्ध हो। लोग सब समझने लगे हैं और लोगों में अंडर करंट भी है और बाहर भी खुल के भी बोल रहे हैं कि 15 साल से इनका जो कुशासन चल रहा है, गरीबों को जो ऑनलाइन आधार कार्ड और ये सब सारी चीजों में सिर्फ लाइनों में लगा दिया इन्होंने। मजदूर मजदूरी करने जाएगा या लाइन में लग के अपनी सुविधाओं का लाभ लेगा? कार्यकर्ताओं के और मतदाताओं के मर्जी के अनुसार में चुनाव मैदान में हूँ। चुनौती कौन बड़ी है, बीजेपी या कौन? मैं दोनों को चुनौती नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये कार्यकर्ता और मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। खरगोन जिले की आरक्षित सीट महेश्वर पर आज सभी की निगाहें हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां यहां पर अपनी जमीन बचाए रखना चाहती हैं। आइए महेश्वर से चलते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। खांडवा में स्थित ओमकारेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, साथ ही वहां पर जानेंगे कि जनता के मुद्दे और उनकी राय। राज्यसभा टीवी वोट यात्रा पहुंच चुकी है पातालकोट। मेडिकल साइंस के इस दौर में भी पातालकोट के निवासी पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। हमारे साथ पातालकोट के कुछ लोग हैं जो यहां पर जड़ी बूटियों का कारोबार करते हैं और तमाम जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं मनुष्य जीवन की, उनका समाधान ये प्रकृति की इन जड़ी बूटियों में खोजते हैं। क्या बेचते हैं आप, इसके बारे में बताइए क्या क्या है? जैसे जोड़ों का दर्द है, शुगर है, गैस है, बवासीर है, मतलब बीमारी की समस्या पूरी हल करते हैं। कैसे इनको इकट्ठा करते हैं आप, ये कहाँ से लाते हैं? हम जंगल में जाते हैं और वहाँ पूरा इकट्ठे करते हैं, जंगल से ढूंढ ढूंढ के और खोद कर लाना पड़ता है। तो कितने ये कितना बेच लेते हैं दिन भर में आप? दिन भर में बेच लेते हैं 500-600 रुपये का। तो आप जीवन यापन चल जाता है? हाँ, चल जाता है। ये बताइए कि चुनाव का माहौल है मध्य प्रदेश में और पातालकोट के आप रहने वाले हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से तो ये उम्मीद करते हैं, मतलब हमारे विकास होना चाहिए। क्या समस्या है मेन आपकी? आप हमारे पातालकोट में सर थोड़ा पानी की समस्या बहुत कम है, महीना दो महीना पानी हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। पढ़ाई लिखाई करवाते हम नीचे से ऊपर भेजते हैं अपने बच्चे लोगों को, 12वीं 10वीं करवा लेते हैं, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता जी। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से सर हमको तो छाँ जूटी है, अभी रोड बना चुकी है हमारे पातालकोट में 5-6 गांव, और हमको हमारे गांव में बिजली भी पहुंच गई जी। तो इस जगह को भारत के और जो पर्यटक जो पर्यटन स्थल हैं, इस जगह को आप कैसे अलग देखते हैं? इस जगह से अलग देखते हैं इसलिए क्योंकि ये प्योर नेचुरल है, ठीक है, और ये काफ़ी डाउन पे है और यहाँ पे जो गांव हैं काफ़ी अंदर में हुए हैं ये, और मतलब यहाँ पे इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो हैं बहुत लेट पहुँची है और ये लोग अभी इनका विकास पूरी तरीके से। टूरिस्ट आप मानते हैं कि सरकार ने यहाँ विकास किया है पातालकोट में? जी, विकास तो हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए उतना कुछ भी नहीं हुआ है।
In this vote, Yatra from Telangana, which is seeing a three-cornered contest between the incumbent TRS, the Congress, TDP, Alliance and the BJP, which is two in the fray, we take you to the picture of what is happening in the state. Stationed 170 kilometers from Hyderabad, Nizamabad is also seeing the three parties keenly fighting the contest. While the opposition claims that sectors like housing for poor and health needs more wanting and more needs to be done, the TRS says that look at the report card and you'll find lot many accomplishment. Now it has to be seen on the election day what matters most, the basic issues or the political realignments. The ninth biggest district of Telangana is bracing itself for electing its second government. With political new alignment on the anvil, tough contest seems to be in the cards. यहाँ पर यहाँ का सरकार जो है चुनाव से पहले ये वादा किया कि हर परिवार को जिसको घर नहीं है उसके लिए दो रूम का घर दूंगा लेकिन एक घर भी अभी तक नहीं दिया मेरा चुनाव क्षेत्र में 20,000 लोगों को घर देने का है उन लोगों को ज़रूरत है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे जो उनके उनको ये सरकार ने पूरी तरीके से धोखा दिया माननीय प्रधानमंत्री जो उनका वादा है पक्का वादा जो 2022 तक सबको घर देने का वो वादा हम पूरा करेंगे The incumbent Telangana Rashtriya Samiti had won all the 9 seats of the region in the previous election in 2014. But holding on to the tally may be a challenge. We are working for 45 years ahead, keeping in mind that what is the population, the projecting population in after 45, 50 years. We are spending almost 98 crores, close to 100 crores for drinking water supply. So people are very happy. With this development because they have not seen before. In alliance with the TDP, Congress is hoping for gains and maybe a shot at the power. Hindustan ki jamhuriyat mein, democracy mein, jab jahan jahan nuksan hota hai, wo nuksan ko sab milkar usko jo nuksan kar raha hai, usko bazu hatane ka soch karte log. Aaj Telangana mein nahi, Andhra Pradesh mein satta mein rahkar, jitna aaj KCR nuksan kar raha, चंद्रबाबू नायडू नुकसान नहीं करा आज डेवलपमेंट के बारे में चंद्रबाबू नायडू जो सोचा वो सोच में तेलंगाना की आवाम भी खुश थे What looks like a cakewalk for the TRS few months ago now seems to be a challenge for incumbent but even for Congress and TDP it will be a big task to rally its workers together who have fought against each other for the last 35 years in Nizamabad with camera person MS Suresh Rajat Kane for Rajya Sabha Television Hello and welcome to Vote Yatra. I am in Mizoram. Even surprised to know that Mizoram did not have any medical college. It had hospital, but there was no medical college. Doctors used to study somewhere else and they used to come and serve in Mizoram. But now, this is the first college that has been established, the first medical college that has been established here and they have spent 1 year in this profession. And we are going to meet the functionaries of the medical college and we will see that how it has changed the medical landscape of the state. So when you are already working on the medical college, what are the new things that is coming up to you? That how do you see that you are changing the medical landscape of the state? Well, this being the first and the only institution in the state, yeah. We have lots to do. Yeah. And then pulling out our experiences from other institutions, we have started our work and then things are coming up and with the cooperation of the government and the public. Are you getting enough support from the state government regarding this whole study, funding, land, building, everything? Very much we get all the full support. From all corners, from all political or social NGOs, from everywhere. What is the problem? What are the problem you are facing, and what you want to state to make sure that you should not get any problem? Well, the only problem is a little far away from the mainland, and
communication is a little problem, because of which some professors were reluctant to come and join. But we are trying to solve, and if the government, the central government, improve the communication system, like more air services, things will be a lot of improvement. Thank you so much, and I wish all the best from your college. What do you expect from the new government that may come? Well, we have a lot of expectations, because this is still a baby. It's still an infancy stage. We are just three months old right now. So what we expect is that the new government will support this fully, and we need a lot of support, because there is still a lot of things to be done. And Medical Council of India, will NMC now, will have their inspection every year till we get recognition in the fifth year. Are you scared for inspection? Well, not scared, because we've been trying very hard, and we are trying to meet whatever norms that have been laid down. We're trying to meet that. But we need a lot of money to be infused into this medical college. What's your name? Lalun Tuanga. What do you expect, whether this government has done good for the medical college, or you want something more to be done? I think it has done pretty good for the college. There are still some room for improvements, but I think as time goes on, it will improve. Mizoram has got the first medical college come hospital here, so everyone is quite excited, and they are expecting that after these elections are over, whichever government comes, they will need much more support than they are getting earlier, though support is all right. Akhilesh Suman for Raj Sabha Television, with camera person Sudhanshu in Aizawl of Mizoram. और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बिग स्टोरी में आज बात करेंगे तेलंगाना और वहां के बनते बिगड़ते समीकरण की. स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक.